बैक करो ना उसको रेडी सो हेलो रिवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में तो जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी मुझे बता देंगे एम आई ऑडिबल क्या मेरी आवाज आ रही है तो आज के इस सेशन की हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे ठीक है चलिए तो बता दीजिएगा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीथिंग इज फाइन ठीक है आप सभी जल्दी से कमेंट कर देंगे तो हम आज के सेशन की के शुरुआत करते हैं ठीक है ना एक बार बता देंगे सभी चलिए ऑल क्लियर है है ठीक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वेरी गुड तो सेशन को आप सभी विद्यार्थी जो हैं जितने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहां पर आप सभी के सभी शेयर जरूर कर देंगे ठीक तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के कि लास्ट जो करंट अफेयर्स हमने देखा था उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और रिवीजन मोड में हम करने वाले हैं जिससे आप सभी को जो पिछला आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए ठीक है आइए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपको यहाँ पर बताना है जिसका आंसर क्या हो जाएगा ल्यूना ट्वेंटी फाइव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हमने चंद्रयान थ्री तो लॉन्च कर दिया लेकिन जो ल्यूना ट्वेंटी फाइव है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया क्या ये भारत के द्वारा यूएसए यूरोपियन यूनियन या फिर रशिया क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब आंसर करिएगा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर आंसर आता हुआ और सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा रशिया है ना और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया जो है ऑलरेडी ये सब मिशन पहले भी कर चुका है और यहाँ पर इन्होंने फिर से अभी कई वर्षों के बाद एक अपना जो मिशन है वो लॉन्च किया और जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है ल्यूना अगेन ट्वेंटी ठीक है पहले भी इसको लॉन्च किया जा चुका था और इस बार फिर से इसको क्या किया गया रिलॉन्च किया गया मतलब रशिया जो है इस प्रकार के मिशन करते ही रहता है इसके पहले हमने ऑलरेडी बताया था चाइना रशिया और अमेरिका ऐसे ऑलरेडी देश हैं जिन्होंने ये महारत हासिल कर ली है हम यदि सफल लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर लेते तो हम जो है उस देश में शामिल हो जाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रशिया अगला प्रश्न यहां पर आ रहा है आपको बताना है प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है हाल ही में पीएम मोदी ने मिशन अमृत भारत स्टेशन के तहत चौबीस हजार चार सौ सत्तर करोड़ रुपए खर्च किए या यूं कहें कि ये इतने से अधिक लागत के लिए पाँच सौ आठ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए इतने पैसे लाने की बात करी दूसरा है इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सात स्टेशंस जो हैं वो शामिल होंगे ठीक है आपके पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आप देखिए और आंसर बताइए व्हाट इज़ द राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही जवाब चलिए इज द राइट आंसर फ्रॉम सही जवाब क्या हो जाएगा आंसर करिएगा आपके समक्ष ऑप्शन है यहां यहां पर पर ओनली ओनली वन टू है ना और two, और इन नन ऑफ इनमें से कोई नहीं तो जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा आपका दोनों, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है बस आप वर्ड्स को याद रखना साथ ही साथ फिगर यानी कि डेटा को भी आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है तो दोनों का दोनों आपका सही है छत्तीसगढ़ के जो सात स्टेशन है उसमें कौन कौन है तुम्हारा रायपुर है ठीक है बिलासपुर है दुर्ग है और इसके अलावा जो अन्य स्टेशन जैसे आप देखेंगे तो रायपुर और बिलासपुर के बीच एक स्टेशन है जिसका नाम है तिलदा नेवरा आपको मिलेगा इधर बिलासपुर से दूर एक स्टेशन है जिसका नाम है अकलतरा मिलेगा भिलाई दुर्ग के पास जो है उसका नाम है भिलाई पावर हाउस मिल जाएगा और एक आपको मिल जाएगा महासमुंद एम एस एम डी ठीक जिस प्रकार से सात स्टेशन है जिनको यह या इसके तहत शामिल किया जाना है है ना तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब भारतीय मूल के वैभव तनेजा को हाल ही में टेस्ला ने कौन सा पद दिया है यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जनरली बच्चे जो है वो नाम याद करते हैं चलिए तो आपके समक्ष ऑप्शन है यहां पर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कार्यकारी अधिकारी दूसरा है सी मुख्य वित्तीय अधिकारी दूसरा है सी ठीक है यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी फिर है सी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी।, अधिकारी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एक है आपका ऑपरेशन यानी कि मैनेजमेंट अधिकारी ठीक है ऑपरेशन अधिकारी तो आपके पास पर चार ऑप्शन बताइएगा कि सही जो आप क्या हो जाएगा यहां पर इन्होंने इसको कौन सा पद दिया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सी मुख्य वित्त अधिकारी या फिर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर सीओओ है ना चीफ ऑपरेशनिंग ऑफिसर यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब जी हाँ बिल्कुल तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी ठीक है याद रखना सीईओ तो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि टेस्ला के सीईओ खुद कौन है तो सीईओ ऑफ जो टेस्ला है वो है आपके है ना एलन मस्क तो मस्क जो भाई साहब है वो खुद सीईओ है तो किसी दूसरे को तो सीईओ नहीं बना सकते ना ठीक है तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मुख्य वित्तीय अधिकारी बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ नवे भारत अंतरराष्ट्रीय एक्सपो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया ठीक आइए बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब जल्दी से बताना किया गया है आपके सामने ऑप्शन दिल्ली है, है मुंबई है बेंगलोर है और चेन्नई है ठीक है अच्छा जी हाँ बिल्कुल दिल्ली सही जवाब है इसमें एक मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं इसका उद्घाटन किन्ों ने किया ये बता दीजिए यदि ये याद है मतलब आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है आपने ये तो बता दिया कि ऑप्शन देखिए कि दिल्ली में हुआ है अब आप मुझे ये बताइए कि ये किन्ों ने किया है मतलब उद्घाटनकर्ता कौन थे जी हाँ क्या बात है बहुत सुंदर मनोज सिन्हा तो मनोज सिन्हा कौन है जी ये भी बता दीजिए अब लगे हाथ मनोज सिन्हा ने किया है ना बहुत सुंदर मनोज सिन्हा कौन है कोई शख्सियत है ये हैं आपके उपराज्यपाल यानी कि डिप्यूटी गवर्नर कहाँ के हैं जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ के जम्मू और कश्मीर के ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड है ना चलिए तो ऐसे आपको पूरी चीजें पूरे फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं और ये बड़ा आसान है दोस्तों जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना अरे सर याद नहीं होता याद नहीं होता यार अचानक आप आ गए उसके बाद बोलोगे कि एक साथ हम पूरे करंट कर लें तो ऐसे संभव ही नहीं है ना जी आप सोचिए जरा कि यदि आपको ऐसी शक्ति मिल जाए कि बस आपने एक बार यूं देखा और याद हो जाए फिर तो कहानी ही खत्म फिर तो सारे पोस्ट आपके फिर क्या आप महिला पर्यवेक्षक क्या आप पटवारी क्या आप ऐसा ही फिर तो आप आई भी बन जाओगे अरे यदि ऐसा हो गया तो है ना तो ऐसा नहीं होता आपको ना कंटिन्यू कंसिस्टेंट होना पड़ता है बार 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 आपको देखना पड़ता है तब याद होता है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बातें करते हैं ध्यान से देखना और इस प्रश्न का आंसर बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है हाल ही में अभी गृह मंत्री राज जो क्या बोलते हैं अमित शाह ने एक बिल जो है वो प्रस्तुत किया जिसके तहत कहा गया कि ये सब जो पुराने जो कानून है उसको हमको बदलना है चेंज करना है तो उसके नामों में परिवर्तन यहाँ पर किया गया तो आपको बताना है कि जो नाम में परिवर्तन हुआ है वो पेयर कौन से सही है पहला बोलता है भारतीय न्याय संहिता आई की जगह लेगा मतलब हम आई पी की जगह इंडियन पिनल कोड के जगह हम क्या यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले हैं अब बी एन एस भारतीय न्याय संहिता वैसे सी आर पी सी का जो जगह लेगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य बिल होने वाला है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं क्या तीनों सही हैं या केवल एक और दो सही हैं या दो और तीन सही हैं या एक और तीन सही है बताइए क्या हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल इस प्रश्न को मैंने जानबूझकर टफ नहीं किया है ताकि आप लोगों को चीजें रिवाइज हो पर आप सभी जो है थोड़े से शब्दों पर ध्यान जरूर देना यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो कई बार वो घुमा फिरा सकता है या फिर आगे पीछे कर सकता है इसको हमने डिटेल में किया हुआ था यदि आपको और डिटेल में देखना है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको आई बटन दिया जाएगा यहां पर और आई बटन में क्लिक करेंगे तो आप उस पुरानी वीडियो को हम एक्सेस कर पाएंगे ठीक है आइए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या कहता है यहां पर आपको दिया हुआ है किस प्रतियोगिता में ओजस डोयटाले ने हाल ही में लुकास प्रिजबिल्सकी को हराकर इतिहास रचा और पुरुषों की व्यक्तिगत कमांड स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बने तो ये जो भाई साहब जो हैं हमारे ओजस वो किस गेम से संबंधित हैं ये आपको बताना है तीरंदाजी है कुश्ती है मुक्केबाजी है या फिर जूडो है बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाता जरूर है लेकिन ये नहीं पूछता कि भाई उन्होंने कहां पर मेडल जीता या उन्होंने मतलब इस मेडल को किस व्यक्ति ने जीता बजाय वो क्वेश्चन यह दाग देता है कि ये फलाना जो व्यक्ति है वो किस गेम से संबंधित है आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे यस और नो कमेंट करके बताना ऐसे प्रश्न आपने जरूर देखा होगा साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा कि कई बार मैच द कॉलम में दिया जाता है मतलब इस साइड आपको खिलाड़ियों के नाम दे दिए और इस साइड आपको उनसे गेम से संबंधित दिया जाता है तो आपको

और आप एक चीज जरूर नोटिस करना कि करंट अफेयर्स के प्रश्न यदि चार से पांच क्वेश्चन हैं तो एक प्रश्न जरूर आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा जाता है याद रखिएगा ठीक है तो स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट होगा आज बहुत सारे जो न्यूज होंगे वो स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित होंगे ठीक है आइए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है किस शहर में प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की तमिल अक्षरों से बनी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को है ना जितने भी बच्चे हैं फटाफट -फड़ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा तो बताएंगे क्या हो जाएगा यहां पर राइट right आंसर किस शहर में किया गया चेन्नई मदुरई एंड तंजौर ठीक है आपके समक्ष चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं क्या हो जाएगा सही जवाब जी हाँ ये बिल्कुल वही शहर है जहां पर आदि शिव की प्रतिमा जो है वो स्थापित करी गई है आपने देखा होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोयम्बतुर याद रखना क्या हो जाएगा जी कोयम्बतुर अच्छा कोयम्बतुर और क्यों फेमस है कई बार आपको पूछा जा सकता है कि कोयम्बतुर जो है वो सूती वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध है ये रेशमी साथ ही साथ आपके सिल्क वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसको जाना जाता है साउथ का मैनचेस्टर याद रखना क्या बोलते हैं अपन इसको साउथ का मैनचेस्टर यानी कि टेक्सटाइल के लिए भी ये फेमस है ठीक है तो दक्षिण का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बतुर को जाना जाता है जी याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बातें कर लेते हैं अगला प्रश्न है ये ध्यान से पढ़ना और इस क्वेश्चन को आंसर देना आप लोग पहला प्रश्न है भारत ने इस्तांबुल तुर्की में, में आयोजित अंडर 17 पहलवानों के विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में दो स्वर्ण सहित ग्यारह पदकों के साथ इसको समाप्त किया दूसरा है सविता ने महिलाओं के 61 किलोग्राम भार वर्ग में इस्तांबुल में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता दो स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों आपको बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है ओनली वन ओनली टू वन एंड टू या फिर नन चलिए देखिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब कुछ बच्चे नन के साथ जा रहे हैं कुछ बच्चे ओनली टू के साथ जा रहे हैं कुछ जो हैं वो बी चलिए ठीक है जी हाँ बिल्कुल <coughs> क्या हो जाएगा जी सही जवाब चलिए सही जवाब बताइएगा वन गोल्ड टोटल इलेवन जी हाँ बिल्कुल वेरी गुड ठीक है तो ओनली टू के साथ हम जाना चाहेंगे ठीक है जय सिंह आपने थोड़ा सा शायद यहाँ पर मिस्टेक किया है राइट right? तो हम यहाँ पर जाना चाहेंगे ओनली टू के साथ क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो स्वर्ण नहीं है स्वर्ण कितना था केवल एक था और ये आपका सही था इन्होंने जो जीता देखिए एक और सविता है वो दूसरी सविता है ये दूसरी है याद रखना है ना तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू बी इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं हाल ही में खेल प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने एक अभियान जारी किया है चेयर फॉर इंडिया इसके तहत किस फिल्म की लघु श्रृंखला यहां पर शुरू करी गई है एशियन गेम्स को प्रचार करने के लिए तो उस ऑप्शन का नाम है लहरा दो बहुत फेमस खाना लहरा दो ठीक है चक दे इंडिया हल्ला बोल या फिर गदर टू चलो जी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा सही जवाब ठीक है हाँ बिल्कुल तो यहाँ पर राइट आंसर आता हुआ बहुत सारे बच्चों का और बादल भी गरजता हुआ पता नहीं कब लाइट ऑफ हो जाए ठीक है ना खैर लाइट ऑफ होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है हमारे यहाँ बैकअप मौजूद है ठीक ओके आप भी अपना बैकअप लेके जरूर बैठें तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हल्ला बोल ठीक है हल्ला बोल इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और बातें करते हैं इनमें से कौन सा सही है मतलब राइट जो मैच है वो आपको यहाँ पर आंसर बता रहे हैं तो आपके समक्ष ऑप्शन दिया गया विश्व आदिवासी दिवस ट्राइबल डे या फिर इंडिजीनियस पीपल डे नौ अगस्त को है विश्व शेर दिवस लायन डे जो है आपका बारह अगस्त एलिफेंट डे जो है वो टेंथ ऑफ अगस्त तो यहाँ पर आपके पेयर हैं और इधर आपके ऑप्शन हैं तो देखिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब ठीक है तो आप देखिए और बताइए व्हाट्स द राइट आंसर फ्रॉम हियर तो यहां से जी हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केवल एक है क्योंकि बाकी की जो ऑप्शन है वो थोड़े से मिसमैच हैं यानी कि शेर दिवस की अगर हम बातें करें तो यह टेंथ ऑफ अगस्त को चलेगा और हाथी दिवस की हम बातें करें तो ये बारह अगस्त को चलेगा ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं अल्टीपल्टी हो चुके हैं ना तो मैंने इसको कुछ नहीं किया मैंने खाली अल्टीपल्टी कर दिया है और आपको भी अभी अल्टीपल्टी नहीं करना है आपको सही आंसर बताना है तो सही आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओनली वन ठीक आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ से एक महत्वपूर्ण सूचना है तो सूच आप सभी विद्यार्थियों के लिए हाल ही में राज्य शासन ने हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के तहत सी ने डेट जारी कर दिए हैं इस वर्ष लिए गए पेपर का आश्चर्य की बात है कि इतने सारे पेपर इतनी जल्दी जांच कर दिए गए तो साइंस आए भर्ती का तो नहीं पता लेकिन साइंस आए चेकिंग जरूर हो रही है ठीक है तो साइंस आए चेकिंग हुआ और साइंस है रिजल्ट भी आ गया और इस रिजल्ट के लिए मॉक इंटरव्यू आयोजित किया गया हमारे बिलासपुर पे हालांकि रायपुर और दुर्ग में भी इसका आयोजन किया जा रहा है जितने भी लोग बिलासपुर में यहां पर हैं और अपना लग आजमाना चाहते हैं तो जरूर आइए यहां पर बाईस चौबीस और छब्बीस अगस्त को जो है ये किया जाना है और लोकेशन जो होगा आपका मंगला चौक बिलासपुर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही हमारी बैचेस प्रीलिम्स की अभी शुरू हो चुकी है गांधी चौक में तो आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं लिमिटेड सीटें यहां पर अवेलेबल रह गई हैं आप आगे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं इसके अलावा मंगला पर भी बहुत सारे हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं ठीक है आप इन नंबरों को सेव ज़रूर कर लें फ्यूचर समस्याओं के लिए किसी भी प्रकार से यदि आपसे जानकारी लेनी होगी तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है हमारे कका है ना और कका से संबंधित हम एक न्यूज की बातें करेंगे लेकिन उससे भी पहले जो हम एक न्यूज हम देखने वाले हैं वो है विज्ञान और तकनीकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसमें हम देखने वाले हैं ममा की बातें करेंगे तो हमारे चंदा मामा के पास जो चंद्रयान पहुंच चुका है और बस कुछ ही दिन रह गए हैं शेष जब वो लैंड करने वाले हैं ठीक है ना तो इसरो ने एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर डाला है और कहा है कि चंद्रयान जो है वो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर अब किस मॉड्यूल पर चला गया है लैंडर ठीक है दो यहां पर मॉड्यूल्स होते हैं इन मॉड्यूल्स को आप समझिएगा क्या होता है और साथ ही साथ यह कहा है कि अब ये जो लैंडर है आगे अकेले सफर तय करेगा लेकिन आपको बता दें कि लैंडर अकेला नहीं है लैंडर के साथ कोई और भी है साथ में है ना साथ ही साथ यह तेईस अगस्त को ट्वेंटी थर्ड ऑफ अगस्त को चांद पर उतरेगा जिसको हमने बातें करी थी कि हम जो यहाँ पर लैंडिंग कराने वाले हैं जिसको सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाएगा मतलब धीमी गति से क्या करेगा वो लैंड वहां पर करने वाला है गति जो रहेगी काफी कम इसकी होने वाली है, है ना ऐसा नहीं कि एकदम बड़ाक से धरती पर कूदे ऐसा नहीं इसकी जो गति रहेगी काफी आराम से काफी स्लो होने वाला है तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में इस तस्वीर को भी इसरो ने ऑफिशियली यहां पर जारी किया है यह सत्रह अगस्त को ये जारी किया गया था इसरो के माध्यम से और इसमें जो एक चीज लिखा होता है 153 into, है ना किलोमीटर थ्री किलोमीटर इन टू वन सिक्सटी थ्री किलोमीटर इसका मतलब समझ आता है आप लोगों को इसका मतलब ये होता है जी कि ये आपका न्यूनतम और ये आपका अधिकतम है ना इतने दूरी तक जो है वो चांद वहां पर क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है जब वो पाथ होता है सर्कुलर जो उसका कक्षा जो रहता है या फिर ओल्ड शेप में जब वो क्या करता है गति करता है ठीक है तो ये चांद का सतह है चांद का सरफेस है तो इसकी न्यूनतम जो दूरी है वो एक हो सकती है और अधिकतम जो है वो एक हो सकती है इस प्रकार से ये हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं तय करते हैं अच्छा सर ये सब छोड़िए आप हमको ये बताइए आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो मॉड्यूल की जो आपने बातें करी एक आपने प्रपल्शन कहा दूसरा आपने लैंडर कहा सर ये हमको बताइए मुद्दे की बात तो ये है आइए इसको हम समझते हैं दो प्रकार के यहां पर मॉड्यूल्स की हम चर्चा करेंगे पहला जो मॉड्यूल होता है उसको हमने जाना प्रपलशन मॉड्यूल क्या बोला हमने इसको प्रपलशन तो देखो जी प्रपल्शन जो मॉड्यूल होता है इसमें क्या होता है यहां से नीचे से फायर होता है राइट और ये जो मॉड्यूल होता है इसमें आप पूरा जहां से चलते आ रहा है मतलब सबसे पहले आपने देखा कि अलग अलग ईंधन के रूप में इसको क्या किया गया ऊपर लेकर आया गया उसके बाद ये पूरा अलग होता गया फिर काफी समय तक ये लगभग महीने भर ये क्या किया ये इस प्रपलशन मॉड्यूल के माध्यम से चांद के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या किया इसने चक्कर लगाया अलग अलग कक्षा का मतलब होता है जैसे आप कहीं पर जाते हैं और एक राउंड रहता है तो राउंड के अंतर्गत आपको कहा जाता है कि आप इस राउंड के इस सर्कल लगाइए है ना तो आपने यहां पर देखा मान लेते ये चांद है तो ये पहली कक्षा थी फिर उसके अंदर डी ऑर्बिटिंग के तहत फिर दूसरी कक्षा फिर तीसरी कक्षा फिर चौथी ऐसे तो सबसे अंतिम कक्षा में आने के बाद या यूं कहें सबसे लास्ट कक्षा जब ये चलता है तब प्रपलशन मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है और उसके बाद ये उससे अलग हो जाता है अलग होने के बाद जो हिस्सा बचता है मेरे दोस्तों उसको हम लोग जानते हैं कि इसके रूप में लैंडर के रूप में यहां पर आप देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है लैंडर अब जैसे लैंडर तक ये आता है तो मैंने कहा कि केवल लैंडर अब नहीं जाएगा लैंडर के साथ साथ एक और रहेगा जिसका नाम होता है रोवर याद रखना क्या होता है रोवर तो लैंडर मॉड्यूल में लैंडर अकेला नहीं होता पॉइंट टू बी नोटेड लैंडर मॉड्यूल की जब हम बातें करते हैं तो साथ में रोवर भी होता है और ये जो रोवर होता है वो कुछ नहीं होता जी रोवर एक प्रकार का रोबोट है रोवर कौन है एक प्रकार का रोबोट है यही जो रोबोट है वो क्या करेगा चंद्रमा की सतह पर चलेगा याद रखना इसमें पहिए लगे होते हैं चक्के लगे होते हैं तो लैंडर जो रहेगा इस प्रकार से ऐसे धरती पर आके चांद की सतह पर लैंड किया लैंड करने के बाद वहां से फिर निकलेगा एक रोबोट और वह जो रोबोट रहेगा वो इस धरती की सतह पर चलेगा अब जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं मैं हमेशा से कहता हूं कि मूवी और गाने से कुछ चीजें आपको सीखनी चाहिए आप लोगों ने बहुत फेमस एक गाना सुना होगा याद पिया की आने

उस गाने में दिखाया ना जिन्होंने नहीं देखा तो गाना देख लेना याद पिया की आने लगी रिहा करके तो उसमें दिखाएगा वो जो रोबोट जो रहता है जो चलते रहता है वैसे ही हमने यहां पर एक क्या भेज रहे हैं रोबोट और उस रोबोट का नाम होता है, रोवर. और दोस्तों याद रखना, इस रोबोट, है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताना है ना कि अच्छा जिन्होंने नहीं देखा तो वो गाना देख लेना जी उसमें आपको समझ आ जाएगा तो जल्दी से बताओ उस रोवर का नाम क्या है साथ ही साथ उस लैंडर का नाम क्या है फटाफट यही कमेंट करके बताएंगे मुझे आंसर जी हाँ बिल्कुल वेरी गुड उस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान क्या रखा गया है प्रज्ञान है ना और इस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम विक्रम सारा भाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है ठीक है चलिए तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ठीक है गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया इसको नोट डाउन करते चलना ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जाती है तो मेरे ख्याल से ये दोनों में अंतर समझ आ गया एक प्रपल्शन मॉड्यूल जिसको हमने फायर किया फायर के तहत वो पूरे कक्षा में घूम रहा था और जैसे ही वो लैंड करने वाला था जैसे ही वो चांद के बिल्कुल करीब आया तो हमने उसको अलग कर दिया दोनों को अलग कर दिया और अलग करने के बाद इसी को जाना जाता है किसके रूप में ये जो जो मॉड्यूल मॉड्यूल कहलाता है वो कहलाएगा तुम्हारा लैंडर पर दो लोग होंगे एक लैंडर भी होगा और एक तुम्हारा क्या होगा रोवर भी होगा और कई बार इसको संयुक्त रूप से भेजा जाता है जब हम संयुक्त रूप से भेजते हैं तब हम इसको बोल देते हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जैसे हमारी जब बैचेस हम लोग चलाते हैं तो एक बैच चलाते हैं प्री की अलग बैच के अलग बैच लेकिन जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं कंबाइंड का मतलब बैचेस को कंबाइंड नहीं करते उन विद्यार्थियों को जब दोनों चीजें साथ साथ दी जाती हैं तब हम उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड तो आप में से कोई बच्चा है कि इंटीग्रेटेड वाला जरा कमेंट करके बताना हां सर हम आपके इंटीग्रेटेड बैच से हैं ठीक है तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड याद रखना चाहिए ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से इसरो ने एक और महत्वपूर्ण मिशन की यहां पर बातें करी है इसको मैंने कई बार आपको बताया भी है ये न्यूज में भी था तो इन्होंने कहा है मिशन आदित्य एलवन अब आदित्य का नाम आप सभी को पता है आदित्य किससे संबंधित है सूर्य से संबंधित है तो मिशन आदित्य एलवन जो रहेगा वो किससे संबंधित होगा ये सूर्य से संबंधित होगा आप बोलोगे सर क्या हम सूर्य को भेजने वाले हैं बोला ना जी हम सूर्य को नहीं भेजने वाले हैं हम जो भेजने वाले हैं सूर्य के पास सूर्य पे नहीं सूर्य तक नहीं जा सकता मतलब इतना ज्यादा वहां पे तापमान है कि डायरेक्टली सूर्य पे नहीं पहुंचेगा लेकिन सूर्य के नजदीक जा सकता है और सूर्य के नजदीक भेजने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सूर्य की उत्पत्ति कैसी हुई सूर्य के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई उन सभी चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं अध्ययन करने वाले हैं तो बहुत जल्द जो है इसको क्या किया जाएगा भेजा जाएगा और ये बार बार जो L1 हम यूज करते हैं तो L1 का मतलब कुछ नहीं होता सूर्य के लिए ऑब्जर्वेशन अलग अलग पॉइंट रखे जाते हैं एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव ऐसा तो ये लैग्रेंजियन जो पॉइंट होता है इसको हम लोग जानते हैं एल वन करके शॉर्ट पर है ना तो इसको भी कहां से लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश से ठीक है चलिए आगे हम देखने वाले हैं इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तो न्यूज जिसकी हम बातें करने वाले हैं वो है आपका अग्निबान याद रखना चाहिए और ये जो अग्निबान है ना ये अपने आप में फेमस है अपने आप में खास है क्यों खास है मैं आपको यहां पर बताता हूं ये अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये जो है ना चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है जैसे हम बातें करते हैं नासा तो नासा कहां की कंपनी है नासा जो है वो वो एक संस्था है है अमेरिका का है। वैसी वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं लाइक स्पेस एक्स बोइंग एंड ऑल वैसी हमारे इंडिया का एक नाम है जिसका यहाँ पर हमने देखा है अग्निकुल कॉस्मोस याद रखना क्या नाम है अग्निकुल कॉस्मोस तो अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने आप में यहाँ पर एक अपने आप में पहला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा लॉन्च नहीं हुआ है ये लॉन्च किया जाना है और ये जो मिशन होगा वो किस प्रकार का मिशन होगा एक सब ऑर्बिटल मिशन होगा ठीक है जिसको हम लोग जानते हैं सॉर्टेड कहते हैं तो सॉर्टेड का फुल फॉर्म भी कई बार आपको यहां पर पूछा जा सकता है तो सॉर्टेड होता है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर, डेमोस्ट्रेटर का मतलब होता है एक प्रकार से हम आपको डेमो दिखाएंगे कि देखिए भैया इस इस प्रकार से हमने जो है महारत हासिल करी है तो ये जो लॉन्च किया जाना है ये किसके तहत लॉन्च किया जाना है बेटा हमने बताया कि अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी कंपनी का नाम आप लोग याद जरूर रखना पूछा जा सकता है अग्निकुल तो ये नेक्स्ट वीक अपनी जो उड़ान है वो भरने वाला है और ये उड़ान जब भरेगा तब हम इसके बारे में और जो डिटेल है वो देख लेंगे लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि यह पहली बार इस प्रकार से यूज किया गया है और यहां पर किया जाएगा ये अगेन जहां से हम हम बाकी बाकी स्पेस स्पेस मिशन मिशन को लॉन्च करते हैं तो बाकी स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया जाता है बाकी जो स्पेस मिशन है आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से तो सेम इसको भी वहां पर क्या किया जाएगा लॉन्च किया जाएगा है ना श्री हरिकोटा में ठीक है तो जितनी भी चीजें हम यहां पर लॉन्च करते हैं ज्यादातर हम श्रीहरिकोटा वाला जो क्षेत्र है वहीं से ही लॉन्च करते हैं तो इसको भी वहां से लॉन्च किया जाना है तो अपने आप में यह पहला उड़ान हासिल करेगा और यह भारत का कह सकते हैं कि पहला निजी होगा राइट तो इसका नाम रहेंगे ठीक है याद रखना और एक प्रकार का क्या होगा ये अग्निबान मतलब आप इससे ऐसा मत समझ लेना कि सर ये मिसाइल विशाल है करके इसको आप समझना ये विशेष प्रकार से क्या होने वाला है एक प्रकार से लॉन्चिंग व्हीकल होगा लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब होता है ऐसा वाहन जिससे हम क्या करते हैं किसी चीज को प्रक्षेपित करते हैं तो एक प्रकार से क्या होने वाला है लॉन्चिंग व्हीकल होगा और इसका लॉन्चिंग कैसे किया जाएगा खड़ी किया जाएगा खड़ी का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्चिंग याद रखना वर्टिकल मतलब ये इस प्रकार से सीधा जाएगा है ना हॉरिजोंटल नहीं रहेगा तो ये दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है ठीक आइए आगे हम देखते हैं और न्यूज और टेक्नोलॉजी से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ये दोनों भाई आपस में मिल चुके हैं कौन कौन एक है वायकाम और एक है आपका जियो सिनेमा दोनों ने आपस में सहमति हासिल करिए कि कहा है कि भैया ठीक है अब हम दोनों आपस में मिल जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आ, कोई दूसरी जो दो कंपनियां रहती हैं आपस में जॉइंट वेंचर के रूप में काम करती हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं वैसे ही यहाँ पर जियो सिनेमा और साथ ही साथ आपके वाय काम ने आप लोगों ने ये तो जरूर देखा होगा जितने लोग टी सीरियल्स वगैरह देखते हैं वो इनके बारे में जरूर जानकारी होगी उनको जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कलर्स आपने देखा होगा वूट आपने देखा होगा आपने स्पोर्ट्स एटीन देखा होगा आपने निक देखा होगा सोनिक देखा होगा तो ये सब के सब जो हैं, किसके तहत काम करते हैं ये ये सब के सब काम करते हैं किसके तहत ये करते हैं वाय काम मतलब एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराए अलग अलग चैनल्स आपको दे तो वैसी ही एक कंपनी है जिसके तहत विभिन्न चैनल हैं और इन चैनलों ने किन के साथ समझौता किया है जियो सिनेमा के साथ क्या कर लिया समझौता कर लिया है ठीक है ना अच्छा इसमें एक शब्द हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है ओ याद रखेगा ठीक है तो इन्हेनों दो अपने इंपॉर्टेंट जैसे कि एक है आपका जियो सिनेमा और एक है आपका वुड ठीक है तो जियो सिनेमा और वुड दोनों के विलय की पर इन्होंने बातें करी है ये सब के सब के क्या है तुम्हारे हैं और OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप अब आप लोग बोलेगे सर ये ओवर द टॉप ये तो हमको समझ नहीं आ रहा है ये टेक्निकल भाषा समझ नहीं आ रही आप हमको आसान सी भाषा में समझाएं चलिए तो आपको समझाते हैं जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे ठीक है उन एप्लीकेशंस में जैसे आप लोगों ने कभी यूज किया होगा एमएक्स प्लेयर ये बहुत मोस्ट कॉमन प्लेयर है जिसको लोग यूज करते हैं आपने यूज किया होगा जियो सिनेमा यूज किया होगा आप लोगों ने आप लोगों ने यूज किया होगा लाइक जी फाइव करके आपने यूज किया होगा ठीक है अरे कुछ किया ना किया हो भैया नेटफ्लिक्स तो किया होगा ना ये सबसे ज्यादा चर्चित था ये याद आ रहा है नेटफ्लिक्स एक जमाने में ठीक है हालांकि सब का तोड़ आजकल निकल गया है तो ये सब होते तुम्हारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स है ना आपने अमेजन प्राइम भी यूज किया होगा याद करो एमेजन प्राइम ये सब आपने यूज किया होगा तो इसमें क्या करते हैं एक होता है आपका नॉर्मल प्लेटफॉर्म एक होता है आपका ओ टी टी प्लेटफॉर्म ओ टी प्लेटफॉर्म जनरली कुछ पेड होते हैं और कुछ आपके फ्री होते हैं कुछ चीजें आपको पे कर दी जाती हैं यानी कि आपने पे किया उसके बाद आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और कुछ चीजें आपकी फ्री होती हैं तो इनमें से भी बहुत सारे आपके फ्री और आपके पेड वाले आपको देखने को मिलेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी जाती है जैसे एक आपने सुनी होगी बहुत चर्चित वेब सीरीज थी पंचायत देखिए क्या सुना है क्या आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज आप सभी ने देखो टेलीग्राम अलग है जी टेलीग्राम की कहानी अलग है ना ठीक है हाँ जी बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं जियो जो है वो अंबानी वाला ही जियो है ओटीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवर द टॉप इसको लिख लीजिएगा है ना फुल फॉर्म जो होता है ओवर द टॉप ये फुल फॉर्म होता है तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पंचायत जो वेब सीरीज है वो जरूर देखी होगी देखा है ना ठीक है, जी हाँ बिल्कुल तो पंचायत जो वेब सीरीज है वो लेकर आएगा था तुम्हारे एमेजन प्राइम पर वैसे और भी बहुत सारी जो वेब सीरीज हैं, उसको लेकर आई जाती हैं। यूट्यूब जो रहता है वो जनरली क्या होता है वो फ्री होता है तो वो ओटीटी के अंतर्गत नहीं आता उसमें आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह जनरली नहीं लेना पड़ता लेकिन ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और ये जो डिफरेंट होता है इनको सिनेमा के रूप में जैसे आपने कुछ मूवी देखी होगी लाइक अभी कोई मूवी आ गई सपोज पठान आ गई या गदर टू आ गई तो उसको हम लोग सिनेमा में क्या करते हैं एक मूवी के तहत बॉलीवुड के तहत हम क्या करते हैं उसको लॉन्च करते हैं आपको थिएटर में जाके उसको देखना पड़ता है लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन सुविधा इतनी ज्यादा विकसित हो गई है और टैलेंट भी इतने ज़्यादा आगे उभर कर आ रहे हैं कि लोग जो हैं उसको सिनेमा में ना लॉन्च करके या थिएटर में ना लॉन्च करके उसको कहां पर लॉन्च करते हैं इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट भी यहां से उनको मिलता है इसीलिए अब क्या किया है जितने बड़ी कंपनियां हैं जितने ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं उन लोगों ने अब ओ पर अपने कुछ कुछ टाई अप करने शुरू कर दिए तो ये जो टाइप है दो लोगों के बीच याद रखना जियो सिनेमा एंड वुट जो कि

एक जो रहेगा आपका चेस से संबंधित होगा और एक जो रहेगा वो आपका पहलवानी से संबंधित तो तीन महत्वपूर्ण होने वाले हैं इनको आप लोग समझिएगा जरूर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने वाले हैं चेस से संबंधित तो दोस्तों चेस में हमारे भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञानंद जो हैं वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं अच्छा चेस की जब हम बातें करते हैं तो इसका जो नाम है दोस्तों याद रखना ये चेस का वर्ल्ड कप है जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है वैसे किसका वर्ल्ड कप है दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ चेस दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ चेस चेस का वर्ल्ड कप है और यदि प्रश्न में ऐसा आए फीडे वर्ल्ड कप तो आप कंफ्यूजन मत होना एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है ना तो इसका फुल फॉर्म जो रहता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस करके तो जनरली इन लोग जैसे फीफा का फुल फॉर्म आप देखोगे तो वैसे ही यहां पर फिडे के रूप में आएगा तो यदि कभी आपसे दिया जाए प्रश्न क्या प्रज्ञानंद ने फिडे वर्ल्ड कप में है ना जो भी है अभी तो खैर सेमीफाइनल खेल रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो फाइनल खेले और विजेता बन के आए तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है फिडे वर्ल्ड कप तो आप बताना हाँ सर ये सही है कंफ्यूजन मत होना कि भैया यहाँ पर तो चेस जैसा कुछ नहीं दिख रहा है ये चेस को ही कहा जाता है ठीक है ठीक ये फ्रेंच आपका नाम है तो इसमें जो प्रज्ञानानंद है इन्होंने हमारे ही देश के अर्जुन एरेगैसी को हराया और किसमें हराया मैं फिर से बता रहा हूं जितने भी विद्यार्थी मेन्स लिखने वाले हैं बेटा उन लोग इस चीज को नोट कर लेना ये क्वेश्चन आ सकता है सडन ट्राई ब्रेकर जैसे आपका होता है ना सडन डेथ वैसे ही होता है सडन ट्राई ब्रेकर और यहां पर टाई ब्रेकर में जनरली क्या किया जाता है जब चेस का जो गेम होता है अब चेस के गेम में एक निर्धारित समय रहता है या कई बार आपको बोल दिया जाता है ठीक है आप खेलिए जब तक आप दूसरे को हरा नहीं पाते तो एक समय के बाद जब ये गेम टाई हो जाए या टाई कहने का मतलब जब आपके पास ऐसे मोहरे बच जाए जिससे आप सामने वाले को मात नहीं दे सकते तब आपका सडन टाई ब्रेकर का उपयोग किया जाता है इसमें एक लिमिट समय एक लिमिट टाइम दिया जाता है और देखा जाता है कि किसके पास ज्यादा पॉइंट है तो जिसके पास ज्यादा पॉइंट आ

शेर नहीं होता तो लगभग तिरासी प्रतिशत विद्यार्थियों ने यहां पर सही जवाब दिया था ठीक है ना तो शेर जो है वो नहीं रहता इस गेम में ठीक है हाथी एक एक बच्चे ने लिखा था कि सर ऊट भी तो नहीं रहता ऊट कैसे नहीं रहेगा देखो चेस शतरंज जो जो है न, है है ना वो भारतीय गेम तो ये जो नाम ना आपको भारतीय नाम के आधार पर याद रखना है हालांकि हाथी को वहां पर रुक बोल दिया जाता है एलिफेंट नहीं बोलते यहां पर हम हाथी को बोलते हैं रुक बोलते हैं घोड़ा को हम लोग बोल देते हैं नाइट बोल देते हैं याद रखना नाइट ठीक है और जो ऊट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बिशप बोल देते हैं क्या बोलते हैं हम लोग इसको बिशप तो ये सब एक्चुअली ना प्रहरियों के नाम पर रखा गया है प्रहरी मतलब जैसे कि आप देखेंगे ना तो रोमन में जो प्रहरी वगैरह रहते हैं जैसे कि जो बिशप रहता है वो भी प्रहरी के रूप में निकलता है चर्च के पोप के रूप में जो नाइट होता है उसको ना, नाइट राइडर्स के रूप में जो जानते हैं जो पूरे शहर की रक्षा करता है तो ये प्रहरी के रूप में जो इनका नाम रखा गया है बट एक्चुअली हिंदी में जो है ना ये जो नाम रखा गया जानवरों के नाम पर रखा गया तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं बिल्कुल

गोटी यानी कि मोहरे मतलब जो आप यूज करते हो पीसेस तो टोटल नंबर कितने होते हैं दोनों मिला के बताइएगा दोनों टीम को मिला के मतलब ब्लैक प्लस वाइट बताइए जी कितने नंबर ऑफ मोहरे होते हैं बताओ टोटल कितने होते हैं हाँ जी जी <laughs> अब देखो बेटा आप ऐसे समझना आठ खाने होते तो आठ यहां पे हो गए और आठ यहां पे है ना तो आठ लोग मुख्य लोग हो गए जिसमें से दो हाथी दो घोड़े और दो आपके ऊट हो गए फिर एक राजा और रानी हो गई ये आठ लोग हो गए उसके बाद आठ इनके सिपाही हो गए तो आठ और आठ एक साइड के लिए आठ और आठ सोलह ही आठ और आठ इन लोग के लिए तो आठ और आठ सोलह तो सोलह और सोलह कितना हो जाएगा तुम्हारा बत्तीस तो टोटल जो मोहरे होते हैं वो तुम्हारे बत्तीस होते हैं याद रखना ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे नहीं कि नहीं आते पूछे जा सकते हैं ना तो कितने होते हैं तुम्हारे सोलह और सोलह बत्तीस होते हैं ठीक है चलिए तो ये चीज आप लोग याद जरूर रखिएगा ठीक है ओके नाउ अब एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इसको लिख लेना आप लोग नोट जरूर करना मैं यहां पर नाम पढ़ रहा हूं हालांकि आपको विजिबल शायद ना हो बट कोई दिक्कत नहीं ये नाम मैं जरूर पढ़ रहा हूं और वैसे भी जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगा तो वहां से आप इसको नोट जरूर कर लेंगे फिलहाल आप लिखना चाहो तो लिख तो अलावा विदित, विदित यहां पर अर्जुन ने क्वार्टर फाइनल खेला और हमारे आर प्रज्ञानंद ने तो ऐसा पहली बार हुआ इसको भी नोट करके चलना ऐसा पहली बार हुआ जब ये जो खिलाड़ी हैं एक साथ मतलब चार में से सोचना सॉरी आठ में से चार जो खिलाड़ी हैं वो इंडियंस थे क्वार्टर फाइनल का मतलब होता है कि अंतिम आठ खिलाड़ी तो अंतिम आठ खिलाड़ी पूरे के पूरे चार इंडियन थे तो चार इंडियन में पहला बंदा डी गुकेश जो कि हार गया किससे मैग्नस कार्लसन से हार गया जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है विजेता है वो मतलब विश्व विजेता है हो सकता है अभी जीत भी, भी जाए उसके बाद दूसरे नंबर पर विदित था तीसरे नंबर पर था तुम्हारा अर्जुन जो कि हार चुका ऑलरेडी और, और चौथे पे था प्रज्ञानानंद तो प्रज्ञानंद ने अर्जुन को हराया और ये कहां पर पहुंच गए ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं ठीक है उम्मीद करते हैं कि जीत जाए उसके बाद फाइनल भी ये खेलेंगे राइट तो ये चार खिलाड़ियों के नाम आप याद रखना ऐसा पहली बार हुआ है कि इस वर्ल्ड चेस यानी कि विश्व कप में जो है चार भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई ठीक है जी चलिए अब हम देखने वाले हैं अगला जो न्यूज है वो आपका एशियन चैंपियनशिप से संबंधित है तो एशियन चैंपियनशिप जो कि हॉकी हॉकी का का है है आप लोग बहुत सारे चैंपियनशिप देखते हैं जिसमें से यह ट्रॉफी तो जो है, है, जो है जो हासिल करी सर इसका आयोजन कहां पर हुआ था अच्छा कितने से हराया कितने से तो कई बार ये भी पूछा जाता है चार तीन से इन्होंने हराया किसको हराया तो आप बताना सर जी इन्होंने मलेशिया को हरा दिया किसको हराया मलेशिया को हराया कहां पर आयोजन हुआ था तो आयोजन जो हुआ था वो तुम्हारा चेन्नई में किया गया था आयोजन आइए कुछ स्टैट्स की हम लोग यहां पर बातें करते हैं है ना कुछ यहां पर आ... लाइक like, क्या बोलते हैं आंकड़ों की हम बातें करते हैं तो भारत जो है वो कितने बार चैंपियन रह चुका है तो आपने बताना सर कि भारत जो चैंपियन जो रह चुका है वो 2011 2016 और 2018 में चैंपियन ऑलरेडी रह चुका है ठीक है ना अच्छा मतलब कितने बार हो गए ये तीन बार हो गया तो अब कितने बार अब इन्होंने चौथी बार जो है वो टाइटल हासिल किया इसका मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया इसके पहले और कौन कौन है ऑलरेडी चाइना है पाकिस्तान है जापान है साउथ कोरिया मलेशिया है तो मलेशिया की हम बातें

अब एक और चीज है कि इसका स्पॉन्सर कि उन्होंने किया तो आप कह सकते हो कि सर इसका स्पॉन्सर जो है वो हीरो ने किया था ठीक है क्या चलिए आइए बढ़ते हैं अपन आगे है ना ठीक है हाँ जी मलेशिया का हमने बता दिया कि मलेशिया पहले भी कई बार जो है वो चैंपियन यहाँ पर रह चुका है तो मलेशिया बहुत अच्छी टीम है बहुत अच्छा यहाँ पर खेलती है किंतु इस बार जो हमने जो विजेता जो बना है वो कौन बनी है? हमारी इंडियन टीम यहाँ पर विजेता के रूप में यहाँ पर उभरी है ठीक अच्छा दो तीन चीज और यहाँ पर देख लेते हैं आपने रनर अप मलेशिया के रूप में देखा इंडिया के रूप में देखा और इंडिया ने कौन सा टाइटल हासिल किया तो चौथा टाइटल ये भी कई बार आपको पूछा जाता है हमने यह तो बता दिया कि भारत विजेता बन गया लेकिन कितने बार बना तो इस बार को मिलाकर चौथी बार बना ठीक दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बता दिया कि मलेशिया को हराया तीसरा आपने ये भी बता देना है कि टोटल यहां पर गोल कितने किए गए तो लगभग चौरानवे गोल किए गए हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर आपको पूछा जाता है तो आपने बताना सर जी टॉप स्कोरर जो है हमारे कौन रहे हैं हरमनप्रीत सिंह रहे हैं कौन है हरमनप्रीत सिंह ये टॉप स्कोरर हैं और बेस्ट प्लेयर में मिला है मनदीप सिंह को याद रखना किनको मिला है मनदीप सिंह और ये दोनों के दोनों कौन है भारतीय हैं है ना तो इन्होंने टोटल नाइन गोल किए हैं ठीक है चलिए और ये सब चीजें आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं तो ये दोनों चीजें आप जरूर याद रखेगा ठीक आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की हम बातें कर लेते हैं अगला जो न्यूज है वो संबंधित है आपके ये रेसलर यानी कि कुश्ती वालों से संबंधित तो यहां पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आपके बनाए गए हैं बहुत सारे रिकॉर्ड जो यहां पर तोड़े गए हैं सबसे पहले जो रिकॉर्ड बनाया है वो अंतिम पंगल ने बनाया है अंतिम पंगल ने लगातार दो बार यानी कि बैक टू बैक अंडर ट्वेंटी खिताब जीतने का रिकॉर्ड यहां पर इन्होंने बना लिया है ठीक है याद रखना जी ये जो है आपके अंतिम पंगल यहां पर नजर आ रहे हैं इनका जो नाम है ये आपकी प्रिया मलिक है और ये जो है वो सविता है ठीक है ना आइए यहां से देखते हैं यहां पर तो सबसे पहले अगर यहां पर मैं आपको बताऊं ठीक तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले अंतिम पंगल तो ये जो आपको दिखाया हमने अंतिम पंगल इन्होंने दो बार दो बार का मतलब उभर कर आई थी तो इस बार भी ये चैंपियन के रूप में उभर कर आई है लेकिन कौन सा अंडर ट्वेंटी तो अंडर ट्वेंटी जो स्पर्धा यहां पर हुई थी आयोजन जिसमें किया गया था इसमें ये चैंपियन बनकर उभर कर आई है मतलब लगातार दो बार इन्होंने अंडर ट्वेंटी खिताब जो है वो जीता है किसमें रेसलिंग रेसलिंग का मतलब कुश्ती में ठीक दूसरा यहां पर एक और जो खिताब जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है वो जीता गया है आपके प्रिया मलिक के द्वारा याद रखना किसके द्वारा प्रिया मलिक साक्षी मलिक नहीं है ना ये ये दूसरी है इनका नाम है प्रिया मलिक तो प्रिया मलिक ने जो है वो भी किताब जीता है साथ ही साथ इन्होंने जीता है जिसका नाम है सविता तो टोटल नंबर ऑफ जो टाइटल्स है वो कितने हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टाइटल है वो तीन गए याद रखेगा ये चीजें आपको पूछी जा सकती है टोटल टाइटल हमारे पास तीन है स्वर्ण पदक में ठीक है इसके अलावा अगर हम बातें करें पुरुषों की तो पुरुषों में भी यहां पर जो जीता विजेता जो बना है उसका क्या नाम है दोस्तों तो यह भी नाम कई बार आपको पूछा जा सकता है तो यहां पर मोहित कुमार किन्होंने मोहित कुमार ने ये भी चैंपियन बन चुके इंडियन रेसलर और इन्होंने जो हराया है ठीक है किसको हराया है इन्होंने जो हराया है जिस बंदे का नाम है वो एक रशिया के जो व्यक्ति हैं और नाइन एट से हराया है जिसका नाम है एल्डार तो एल्डार के इन्होंने नौ आठ से इन्होंने फाइनल में इनको पराजित किया और इस प्रकार से अगेन अंडर ट्वेंटी में है ना ये बनने वाले एक पहले खिलाड़ी बन चुके हैं तो इस प्रकार से तीन लोगों का जो नाम है वो आपको याद रखना है पहला जो नाम यहां पर मैंने बताया आप लोगों को अंतिम पंगल दूसरा जो नाम मैंने बताया आपको प्रिया मलिक तीसरा नाम आपको बताया सविता और जो चौथा जो नाम है वो कौन है मोहित कुमार और इस सब का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है वो जॉर्डन में किया गया था कहां पर जॉर्डन में ठीक है चलिए आगे बढ़े जी हाँ बिल्कुल नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला जो यहां पर आ रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी चीजें आपको बता दी गई है ऑलरेडी हमने ठीक प्रिया मलिक के भी बारे में हमने यहाँ पर ऑलरेडी बातें कर ली तो टोटल सात में से तीन यहां पर गोल्ड जो है वो इनके द्वारा जीता गया अब हम देखते हैं यहां पर अगेन अजहरबैजान में जो शूटिंग हो रहा है तो शूटिंग में दो व्यक्तियों ने क्या क्या नाम है एक का नाम है ईशा सिंह और दूसरा का नाम है शिवा नरवाल तो ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने यहाँ पर आई एस एस एफ यानी कि जो इंटरनेशनल शूटिंग जो कंपटीशन होता है चैंपियनशिप होता है उसमें यह इन्होंने और ये कहां पर हुआ तुम्हारा ये हुआ है तुम्हारा बाकू में याद रखिएगा कहां पर हुआ है बाकू और बाकू कहाँ पर है अजरबैजान में तो अजरबैजान में इन्होंने क्या किया है चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है गोल्ड मेडल हासिल किया है किस कंपन सॉरी किस चैंपियनशिप में तो आपने बताना है सर शूटिंग में कहा पर हुआ है अजरबैजान के बाकू में नाम क्या है इन लोगों का तो नाम आपने बताना है एक का नाम है ईशा सिंह और दूसरे का नाम है शिवा नरवाल तो ऊपर के जो तीन बताए हैं वो ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर भी करेंगे तो आपका चलेगा ठीक है आइए रक्षा और प्रतिरक्षा न्यूज से हम लोग एक महत्वपूर्ण न्यूज की हम बातें करने वाले हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में एक विंध्य गिरी एक प्रकार का क्या है ये नेवल फ्रिगेट है फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत याद रखना ठीक है ना तो फ्रिगेट का मतलब जो होता है युद्धपोत इसको हाल ही में इनका अनावरण किया गया है कहां पर कोलकाता में अब कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमारे यहां कौन कौन से ऐसे शिपयार्ड हैं जिन लोग युद्ध पोत या फिर इन जल यानों का निर्माण करते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है मझ गांव आपने सुना होगा मझ गांव सुना है आपने सुना होगा गार्डन रिच आपने सुना होगा गार्डन रिच आपने सुना होगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड सुना होगा आप लोगों ने ये सब तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कई बार ठीक है ना तो इसका जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया है रिच रिच के द्वारा अब कहां पर है आप सीधा बता सकते हो सर ये देव आप यहां पर दिख रहे हैं कोलकाता कोलकाता तो कोलकाता हो जाएगा इसका सही जवाब पर मिलेगा आपको मजगांव मिल जाएगा आपको मुंबई में मिल जाएगा कोच्ची कहां पर मिलेगा कोच्ची तो ऑफकोर्स कोच्ची में मिलेगा राइट right? तो ये जो आपको किया गया है ध्यान से समझना है ना ये आपका किया गया है गार्डन रिच और गार्डन रिच कहां पर मिलेगा आपको कोलकाता में तो ये जो आपका युद्धक पोत है ये जो फ्रिगेट है ये गार्डन रिच के द्वारा इसको क्या किया गया है बनाया गया है जिसका अनावरण या फिर यूं कहें जिसका जो उद्घाटन जो है कि है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है साथ ही साथ ये एक ऐसे बेड़े में शामिल होने वाला है इसका नाम हमने क्या बताया इसका जो नाम है विंध्यगिरी रखा गया है एक ऐसे बेड़े में शामिल होने वाला है जिसमें ऑलरेडी दो जहाज पहले ही मौजूद हैं तो एक का नाम है आईएनएस हिमगिरी और दूसरे का नाम है आईएनएस एन दुनागिरी क्या नाम है एक का नाम है आई हिमगिरी और दूसरे का नाम है आई एन या फिर दुनागिरी तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखना इन बेड़ों के साथ जो है है इसको शामिल किया गया चलिए आगे देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण ये ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पर विंध्यगिरी जो है ये हाल ही में इसको इनोग्रेशन के तहत इसको शामिल किया गया है हाल ही में देश की पहली सबसे लॉन्ग रेंज वाली एक एयर पिस्टल जिसको हम लोग जानते हैं रिवॉल्वर के रूप में तो रिवॉल्वर को सबसे पहली यानी कि सबसे अधिक दूरी तक जो जाती है जिसका रेंज है लगभग 50 मीटर इसको हाल ही में लॉन्च किया गया और जिसका नाम जो रखा गया है प्रबल जिसका नाम रखा गया है प्रबल ठीक है यह एक ऐसा रिवॉल्वर है जिसका रेंज लगभग 50 मीटर तक जाएगा जनरली यह देखा जाता है कि जो बड़े हथियार रहते हैं उसका रेंज हाई रहता है बट इन जो रिवॉल्वर जो रहते हैं उनके जो रेंज रहते हैं जनरली छोटे रहते हैं टेन मीटर ट्वेंटी मीटर ऐसा कुछ रहता है ट्वेंटी फाइव मीटर बट इसकी जो रेंज है वो काफी लंबी होने वाली है और ये रहने वाले हैं लगभग पचास मीटर तक याद रखना और इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है इसको बनाया जा रहा है कानपुर में क्योंकि ये कानपुर वाला जो रीजन है आपने देखा होगा कि मूवी अगर हम भी दिखाया जाता है ना कट्टा वट्टा निकाल लेते हैं लोग यहाँ पर ठीक है तो जहां पर जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके छोटे छोटे साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं तो जहां पर जिस चीज़ का निर्माण किया जाता है या विनिर्माण किया जाता है तो उसके छोटे छोटे मतलब चिल्लर आइटम भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ कट्टे ऐसे रहते हैं जो हाथ हाथ में फट जाते हैं ना जैसे आपने देखा होगा वासीपुर मूवी वगैरह में तो कट्टों का निर्माण जनरली कहाँ पर कानपुर और कट्टा जो है कानपुर के लिए आपका फेमस है तो ये यहाँ पर जो है इसको बनाया गया है याद रखना जी इसका नाम रखा गया है प्रबल ठीक है ये क्या रहेगा आपका साइड स्विंग रिवॉल्वर

लखपति पति दीदी अब ये लखपति दीदी क्या है आइए समझते हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लखपति पति की जगह इसको लख पत्नी जो है वो यूज करना चाहिए था है ना हालांकि पति जो शब्द है वो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि दिस इज फॉर मेल लेकिन पति का मतलब हमेशा मेल नहीं होता आपके जानकारी के लिए हम बता दें समझिएगा ध्यान से है ना ठीक है पति का मतलब हमेशा मेल नहीं होता पति का मतलब होता है स्वामी या जिसका उसपे अधिकार है ठीक है जिसका उसपे अधिकार है उसको हम लोग पति के रूप में हम जानते हैं राइट अच्छा एक और होता है पतित होता है तो वो पतित अलग है जैसे बोलते हैं ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम तो पतित मतलब वो गिरा वाला होता है वो अलग होता है मतलब जो निचला है उसको पतित बोलते हैं यहाँ पर पति का मतलब होता है कि आप जो हैं उस चीज के या जिससे संबंधित आपसे बातें करी जा रही हैं वो आप उसके अधिकारी हो चुके हैं लखपति का मतलब आप जो हैं एक लाख के अधिकारी हो चुके हैं नहीं 1 लाख अब आपके अधीन है करोड़पति का मतलब होता है कि आप जो हैं वो उस एक करोड़ या मोर देन जो करोड़ है वो अब आपके पास आ चुका है जैसे जब के बीसी खिलाया जाता है तो हम कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि कौन बनेगा करोड़ पत्नी करके तो पत्नी जो है वो ठीक है एक महिला के सूचक है उसके रूप में लिया जाता है लेकिन पति जो रहता है वो जनरली हम देखते हैं कि जिसका अधिकार आपके पास आ चुका है जैसे महामहिम कहते हैं ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तो भैया वो तो है महिला लेकिन वर्ड क्या यूज करें राष्ट्रपति तो राष्ट्र का जिसके पास सबसे बड़ा जिसको राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में जिसको जाना जाता है अध्यक्ष के रूप में जिसको हम जानते हैं तो पति जो शब्द है वो दो संदर्भों में यूज किया जाता है एक महिला का पति वाला और एक पति मतलब जो अधिकारी वाला तो ये जो पति जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है अधिकारी वाला है ना तो लखपति जो है याद रखना जी क्या चीज लखपति तो लखपति जो है एक टाइटल के रूप में हमने यहां पर कहा है और इसके तहत यह जो योजना है महिलाओं को मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए याद रखना कैसा आर्थिक रूप से यानी कि इनको इकोनॉमिकली बनाने के लिए इस योजना को लेकर आया गया है योजना पहले अलग अलग राज्यों में लागू करी गई थी लेकिन अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जो बातें जो है वो करी जा रही है जिसमें लगभग दो करोड़ महिलाओं को क्या किया जाएगा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा मतलब स्किल ट्रेनिंग इनको दी जाएगी अब जब भी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग की बात करी जाती है तो उसमें दो चार चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं जैसे कि उदाहरण के तौर तो पे अगर यहाँ पर हम बातें करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे एक है विश्वकर्मा योजना इसी के तहत बहुत सारे और भी स्कीम्स हैं जैसे विश्वकर्मा योजना तो 17 सितंबर को हम मनाते हैं विश्वकर्मा जयंती तो उस दिन इनको बताया जाएगा कि कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों पर हम लाइक वो आ, ब्यूटी पार्लर्स के रूप में या फिर किसी हैंडलूम्स के रूप में या फिर हथकरघा या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो उनका निर्माण करते हैं उनमें उनको कैसे सहायता दी जा सकती है उसके अलावा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अफोर्डेबल मेडिसिन यहाँ पर दिया जाएगा स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर जिसके हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर बातें कर ली कुछ ऐसे भी महिलाएँ हैं जो अपना घर बनाना चाहती हैं तो तमाम तरह की सुविधाएँ उनको दी जाएंगी साथ ही साथ उनको इस लायक बनाया जाएगा ऐसे स्किल ऐसा उनको कौशल सिखाया जाएगा जिससे वो खुद क्या कर सके पैसे अर्जित कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके तो इसका केवल दो उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है लखपति जो स्कीम है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या किया गया इनोग्रेट या फिर यूं कहें लॉन्च किया गया दूसरा आपको बताना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और तीसरा आपको बताना है कि यह जो स्कीम रहेगी इसके तहत महिलाओं को स्किल दिया जाएगा स्किल का मतलब होता है कौशल यानी कि उसको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे खुद वो क्या बन सके आत्मनिर्भर या फिर स्वावलंबी बन सके आइए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं जिस रिपोर्ट में कहा गया है फिजिकल हेल्थ यानी कि राजकोषी या फिर वित्तीय हेल्थ में हमने छत्तीसगढ़ ने सेकंड स्थान हासिल किया है साथ ही साथ महाराष्ट्र ने क्या किया है यहां पर

ठीक है देख रहे हैं इसीलिए हम अपने पति को स्वामी बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रेमलता जी कह रही हैं कि हम अपने पति को स्वामी कहते हैं कुछ लोग हस्बैंड कुछ लोग हबी जी कहते हैं है ना कुछ लोग और अलग अनेकों अनेकों नाम हैं मतलब अनेक अनेक तुलना करते हैं कुछ लोग बोलते हैं समथिंग समथिंग है ना हा, हा, कुछ लोग तो भाई एकदम गिरे हुए नामों से भी पुकार देती हैं तो उन पतियों को भी सादर नमन है है ना कि वो ऐसे नामों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो, तो जनरली तो ये देखा जाता है जब राजकोषीय नीति की बातें करी जाती है तो वहां पर भी इसको पढ़ाया जाता है ठीक है राजकोषीय घाटा को तो कुछ नहीं होता यह राजकोषीय घाटा जो रहता है जैसे सरकार के पूरे आय और व्यय की यहां पर बातें करी जाती हैं आई मतलब इनकम हो जाएगा रिसिट्स और व्यय मतलब खर्चे इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सब बहुत लंबा पार्ट है इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो दोनों में बैलेंस देखा जाता है इनकम और कितने हमारे खर्चे हुए हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि भाई हमारी यदि आय कम है और खर्चे ज्यादा हो चुके तब यहीं से हमारा घाटा निकलता है जिसको हम लोग जानते हैं राजकोशी घाटा अलग अलग घाटे होते हैं राजस्व घाटा अलग होता है जिसको हम लोग जानते हैं रेवेन्यू डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट के अंतर्गत राजकोशी घाटों के अंतर्गत समस्त खर्चे और समस्त आय इनको इंक्लूड किया जाता है तो समस्त खर्चों और समस्त आय के बीच का जो अंतर होता है खर्च यदि अधिक है तो हम इसको घाटे के रूप में जानते हैं हमारे खुद के टैक्स की हम लोग यहाँ पर बातें कर ली कितना हमने यहां पर टैक्स लगाया स्टेट डेट लेवल्स यानी कि राज्य के ऋण स्तर कहीं हमारा राज्य ऋण ग्रसित तो नहीं है देखिए हर राज्य कहीं ना कहीं ऋण ग्रसित होता है लेकिन यह देखा जाता है कि भैया यहां पर डेट लेवल्स यानी कि ऋण स्तर कितना है और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान तो इसको भी हम लोग पढ़ाते हैं है ना इंटरेस्ट पेमेंट ये बहुत बड़ा एक आपका अमाउंट होता है जिस हम बातें करते हैं जब हम फिजिकल डिफिसिट पढ़ते हैं जब हम कैपिटल रिसीट्स जब हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पढ़ते हैं रेवेन्यू डिफिसट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ते हैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है इंटरेस्ट पेमेंट आईपी है ना ये कई बार आपके प्रीलिम्स में भी आया हुआ है तो इन सभी चीजों का क्या रखा जाता है ध्यान रखा जाता है और इसी के आधार पर यह जो जो लिस्ट है यह जो रैंकिंग है वो जारी करी जाती है जिसमें अगेन मैं फिर से बता दूं महाराष्ट्र को नंबर वन और छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान यहां पर मिला है तो ये दोनों चीजें आप लोग याद जरूर रखिएगा ठीक है आइए यहां पर हम लोग एक और महत्वपूर्ण तो न्यूज की बातें करने वाले ये आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है और यह है आपका इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन जो रेट है यानी कि जो आपकी हम यहां पर बातें करते हैं है ना खुदरा मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग जानते हैं या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये रिकॉर्ड स्तर पर पिछले पंद्रह महीने के रिकॉर्ड स्तर पर सेवन पॉइंट फोर फोर सात दशमलव चार चार प्रतिशत तक जो है वो पहुंच चुके है यदि आप यहां पर देख पाएंगे हालांकि आपको विजिबल होगा कि नहीं आई डोंट नो बट 2021 से लेकर ये आपका यहां पर पूरा बाइस आ चुका और ये जुलाई 2023 तो जुलाई 2023 में सबसे ऊपर यहां पर पहुंचा है सात दशमलव चार चार बीच में ये हुआ था ये सात दशमलव चार एक और अभी ये पहुंच चुका है सात दशमलव चार चार मेन्स के जितने भी विद्यार्थियों मैं फिर से बोल रहा हूं मेन्स वाले जितने भी विद्यार्थियों की जो मेन्स देना है देने की इच्छा रखते हैं इस ग्राफ को जरूर लिखना आपको बता दूं कि ये आपको क्लास के तुरंत बाद हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल कौन-कौन सा बताया हमने कोको सीजीपीएससी -को, है ना सीजीपीएससी कंपटीशन कम्युनिटी एंड जीएस विद तरुण सर ठीक है इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर आपको पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर आप जुड़ जाइएगा मेंस के जितने में भी विद्यार्थी होंगे इसको लिखना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ये ग्राफ आप लोगों को पूछा जाता है बड़ा सवाल ये है सर ये दोनों क्या क्या होते हैं पहले आप हमको शॉर्ट में बता दें फिर हम आगे की बातें करते हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचिकांक इसको हम लोग जानते हैं सीपीआई के रूप में क्या बोलते हैं हम लोग इसको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है तुम्हारा डब्लू यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब इसको हम लोग जानते हैं थोक मूल्य सूचकांक इसको क्या बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक ठीक है ना और ये होता है सीपीआई सूचकांक राइट अब सवाल ये है कि सीपीआई जो है वो बढ़ गया अपने रिकॉर्ड स्तर पर पंद्रह महीनों में सबसे अधिक सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों हुआ आप मुझे कमेंट करके बताओ बहुत ही कॉमन रीजन है अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जिसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों हुआ देखो बिल्कुल कॉमन है कोई नया चीज नहीं है इकोनॉमिक्स बड़ा ही आसान होता है बस आपको पढ़ने की समझने की देरी होती है बताइए क्यों महिला पर्यवेक्षक के लिए आप पढ़ लीजिए जनवरी से लेकर जून जुलाई तक का चलो बेटा बताओ आखिर किस चीज में वृद्धि दर्ज करी गई कैसे कर रहा हो यार अभी आप लोग सब्जी भाजी लेने जाते थे तो टमाटर का रेट बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था आसमान छू रहा था ना आप जाके देखे थे ना पिछले एक महीने से टमाटर ने गदर मचा रखा था भाई और टमाटर ऐसा है देखो बाकी सब्जी के रेट बढ़े तो उतना फर्क नहीं पड़ता मान लेते जैसे कि लाइक टमाटर प्याज और आलू को छोड़ के कोई दूसरा सब्जी जैसे गोभी का रेट बढ़ गया है नहीं खाएंगे गोभी खा लेंगे आराम से सस्ता होगा तो भिंडी का रेट बढ़ा खा लेंगे आराम से जब सस्ता होगा तो मुनगा का रेट बढ़ा बैगन का रेट बाकी सब्जी का रेट जब बढ़ता है तो ठीक है सर देख लेंगे लेकिन टमाटर आलू और प्याज प्याज को चलो हटा भी दो कुछ लोग तो बिना प्याज के खा भी लेते हैं ठीक है आलू भी एक प्रकार के हटा भी दो लेकिन भैया टमाटर कैसे करोगे टमाटर तो चाहिए ना आपको तो टमाटर के जो रेट है वो बढ़े है, और इसके चल के बाकी लोगों ने भी रेट बढ़ा दिए जी हाँ बाकियों को क्या लगा कि टमाटर के रेट बढ़े मैंने अचानक पूछा मार्केट में शिमला कैसे दिए बोलते चालीस रुपए पाओ मैं बोला अच्छा पहले मैं 40 सुन के खुश हो गया फिर मैं बोला क्या भैया चालीस क्या पाओ कि किलो बोलते हैं पाओ बोला अच्छा मतलब सोचो एक सौ साठ रुपए किलो तो ऐसे कईयों के रेट बढ़ रहे थे भैया लौकी ओकी के तक रेट बढ़ गए थे एक जमाने में याद करो सत्तर अस्सी रुपए तक चले गए थे हल्के भी धीरे धीरे कम हो गए हैं तो कुछ लोग जबरदस्ती अपना रेट बढ़ा देते हैं समझ रहे हो तो भिंडी विंडी एंड ऑल सबके रेट जब बढ़ने लगे तो लगभग सब्जियों की कीमत में जो रेट वृद्धि हुई कितना परसेंट लगभग सैंतीस परसेंट सोचो थर्टी सेवन परसेंट और ये जो टोकरी होती है याद रखिएगा ये क्वेश्चन तुम्हारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में आया हुआ है यहां से डब्ल्यू पी आई के जो बॉक्स होते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं एक आपका प्राइमरी गुड्स आर्टिकल्स होता है एक आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है है ना और एक आपका ऊर्जा फ्यूल वगैरह समथिंग कुछ होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है तो सबसे बड़ा योगदान होता है मैन्युफैक्चरिंग का लगभग चौसठ परसेंट के आसपास ये क्वेश्चन तुम्हारा आया आया हो तो उठा के देख लेना जिसको यकीन नहीं है है मैं डंके तो की चोट पे बोलता भाई ये क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स का इस वर्ष को छोड़ के इसके पिछले और पिछले वाले में उठा के देख लेना दोनों में से किसी एक में इसको पूछा गया है ठीक तो ये चीजें आपको पूछी जाती है यहां पर आपसे पूछा जाएगा सर डब्ल्यू पी में क्या चीज को शामिल किया जाता है तो डब्ल्यू पी में जो शामिल किया जाता है वो सिर्फ गुड्स को किया जाता है इसलिए पर जो आपको देखने को मिलता मिलता है है। वो कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर गुड्स और और सर्विसेज दोनों दोनों को को शामिल शामिल कर लेते हैं। किसको किसको? वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। WPI जो रहता है वो इनिशियल स्तर का आपका इन्फ्लेशन महंगाई रहती है किससे मापते हैं? हम लोग महंगाई रहती है, है? तुम्हारी ये जो रहता है जरली किस किसमें शामिल होता है ये जरली आपके फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है मार्च से लेके अप्रैल सॉरी

मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये किसके द्वारा डब्ल्यू जो रहता है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जबकि ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स ठीक है सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है तो ये तमाम चीजें आप लोग याद जरूर रखना तो फिलहाल जो सबसे बड़ा जो रीजन यहां पर दिया गया है वो दिया गया है कि खाद्य जो सामान है उनमें वृद्धि हो गई ठीक है साथ ही साथ आपके तेल वगैरह के जो आइटम्स उसमें वृद्धि हुई दाल के रेट भी यहां पर बढ़ गए दाल के भी रेट आपने देखा होगा तो सबके रेट यहां पर दाल के रेट बढ़ गए तुम्हारे है ना तेल वगैरह के रेट यहां पर बढ़ गए सब्जियों के रेट बढ़ गए इसलिए जो है सबसे अधिक आपका यहाँ पर प्रभावित हुआ और ये 7.44 के स्तर पर चला गया आपको एक और चीज बता दू आर कहती है कि यह जो रेट है वो आपका प्लस माइनस कितना होना चाहिए फोर प्लस माइनस टू होना चाहिए कहने का मतलब है सर मिनिमम दो रहे और अधिकतम छह रहे तो यहां पर सात दशमलव चार चार हो गया जिसने महंगाई बढ़ा दी और हमारे लिए चिंता का विषय बन गया ठीक है तो ये दोनों चीजें आप लोग याद जरूर रखना आइए कुछ नियुक्तियों की हम यहां पर बातें करते हैं भारत सरकार ने हाल ही में आर दोराई स्वामी को एल का प्रबंध निदेशक यहां पर क्या किया है अपॉइंट किया है याद रखना किसका जी एल भारतीय जीवन बीमा निगम ठीक है अच्छा आई जो है वो अलग होता है आई जो रहता है इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी वो अलग है अभी आ गया अच्छा नहीं तो मैं तो कुछ किया नहीं वहाँ ही नहीं था अभी आया मैं नाओ ओके ठीक है चलिए लगा दीजिए उसको ओके नाउ फाइन शुरू करते हैं तो कहाँ तक थे हम आई थिंक यहीं पर आए थे ना आपका जो बाकी वाला जो पार्ट है I think हो गया था, डब्ल्यू पी आई एंड आपका सीपीआई वाला पार्ट शायद हो गया था ठीक है अपन यहां पर थे आई गेस चलिए हाँ तो ये जो स्वामी जी हैं, वो दोराई स्वामी जी हैं, ये क्या बने हैं तुम्हारे एल के एम डी बने यानी कि प्रबंध निदेशक

एक और महत्वपूर्ण तो न्यूज़ यहां पर हाल ही में ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम आपका पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जो चर्चा चली थी आपकी स्वच्छ भारत मिशन एंड ऑल तो इसके बहुत बड़ा इनका योगदान था इनका नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक तो अभी हाल ही में झंडा रोहन कर रहे थे उसी समय अचानक हृदय गति से यानी कि जो हार्ट फेल हुआ हार्ट अटैक के कारण जो है इनका निधन हो गया ठीक है ना कहां पर हुआ? में हुआ ये. और कहां के रहने वाले इंपॉर्टेंट के? के क्या -क्या है, है. है. सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे ठीक है इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक बिहार के निवासी थे इनका निधन हुआ है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अगले न्यूज की हम बातें करते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज की हम बातें करने वाले हैं कालका शिमला जो रेलवे है ये अब अपने अस्तित्व को खो चुकी है यह न्यूज़ है थोड़ा सा डरावना और भयानक भी है इसलिए भयानक है क्योंकि आप समझिए देखिए ये पूरे नीचे का जो जमीन दिख रहा होगा आपको यहां पर दिख रहा है ये पूरा ये पूरा जमीन हट गया मतलब 50 मीटर जो हिस्सा पूरे हवे में लटक रहा है इसका ठीक है 50 मीटर जो हिस्सा ये तुम्हारा हवे में लटक रहा है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत एक साल पुराना है अंग्रेजों के जमाने का था ये यूनेस्को के बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमारे इंडिया में चालीस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों याद रखना कितने हैं चालीस जिसमें से एक को हम लोग जानते हैं माउंटेन रेलवे के रूप में क्या बोलते हैं एक है माउंटेन रेलवे लिख लेना ना अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं समझना और बहुत ज्यादा चांसेस है यहां से प्रश्न आपके बनेंगे प्रश्न भले यह मत आए कि हाल ही में कौन सा माउंटेन रेलवे जो है वो हवे में लटका या फिर वो बाढ़ के कारण बह गया भले वैसा क्वेश्चन मत आए आता है तो आपको बताना है कि ये जो है कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है या माउंटेन रेलवे में शामिल है ठीक है ना तो आपको बताना होगा कि सर इसके तहत हमारे भारत के तीन रेलवे हैं तीन माउंटेन रेलवे हैं जो इसमें शामिल हैं तो सबसे पहले हमको क्या बताना है जी सबसे पहले ने आपको बता दिया ये कालका शिमला ये सबसे बड़ा है ये, याद रखना कालका शिमला जो रेलवे है वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तहत शामिल और इसका जो हेक्टेयर है लगभग सेवेंटी नाइन सिक्स हालांकि ये नहीं आएगा आपने बताना है कि उत्तर पश्चिम भारत के अंतर्गत आता है और विशेष रूप से अगर हम इसको बातें करें तो ये आपका हिमाचल उत्तरांचल हिमालय वाले पार्ट में आएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं दार्जिलिंग वाले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दार्जिलिंग हिमालय तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आपको हमें मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा बहुत सारे बच्चों को लगता है दार्जिलिंग मतलब सिक्किम लेकिन नहीं दार्जिलिंग जो रेलवे है ये कहां पर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आएगा ठीक है क्या इसके बाद जो आपको एक साउथ में देखने को मिलेगा वो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है जो कि कहां से कहां चलती है आपका उटी से मेट्रोपेलियम के लिए चलती है कहां से कहां उटी से मेट्रोपेलियम ठीक है तो ये तीन रेलवे को आपको याद रखने तीन माउंटेन रेलवे एक है इस माउंटेन रेलवे के अंतर्गत तीन अलग अलग रेलवे पहला आपने देखा कालका शिमला एक आपने देखा दार्जिलिंग और एक आपने देखा यहाँ पर नीलगिरी तो तीन रेलवेज को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत संरक्षित किया हुआ है क्लियर है यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में ये पूरी तरीके से हट चुका है अब देखते हैं इसको फिर से रिनोवेट किया जाएगा इसको वापस से वहां पर स्थापित किया जाएगा या फिर नहीं एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं हाल ही के जापान में एक तूफान आया है इस तूफान का नाम रखा गया है लान ठीक है ना अब नाम ही खतरनाक है बोला गया है लान भैया लान लेके आ करके ठीक है तो जापान में लाया गया और जापान में आने पर हम लोग इसको बोलते हैं टाइफून भारतीय भूभाग में जब आता है तो इसको क्या बोला जाता है साइक्लोन क्या बोलते हैं हम लोग इसको साइक्लोन साइक्लोन यानी कि चक्रवात जब यही अमेरिकी क्षेत्रों में चलने लगे तो इसको बोला जाता है हरिकेन क्या बोलते हैं हम के। लोग इसको हरिकेन किधर ये यूएस वाले रीजन में ठीक है और जापानी क्षेत्र में इसको जाना जाता है टाइफून के रूप में और जनरली इसकी जो शक्ति जो रहती है ये काफी तेज होती है लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई है कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे सर तूफानी तो है ना क्या ही फर्क पड़ता है अब आप सोचो डेढ़ सौ सो किलोमीटर प्रति घंटा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर खड़े हो आपके मुंह में पाइप से ऐसे पानी मारा जाए पानी का स्पीड कुछ खास रहता नहीं तीस चालीस पचास किलोमीटर प्रति घंटा रहता है आप सोचिए डेढ़ सौ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके मुंह पे पानी मारा जाए क्या हाल होगा तो इंसान फेंका जाता है मर जाते हैं है ना तो बहुत स्पीड से आता है ये एक सौ पचास किलोमीटर प्रति घंटा तो काफी ज्यादा स्पीड होती है तो मैंने बता दिया ये लगभग फिफ्टीन अगस्त के आसपास जो है जापानी क्षेत्र में दस्तक दिया था हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया लास्ट ईयर इस वर्ष में हमने आज़ादी का जो है महोत्सव मनाया तो हमारे साथ साथ और भी कुछ देश हैं जो क्या करते हैं आज़ादी का उत्सव मनाते हैं जिनमें से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है एक है आपका कोरिया कोरिया में भी आपके दोनों कोरिया है ना साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया उसके अलावा बहरीन है ठीक है और इसके अलावा आपका लिंचेस्टिन करके एक देश है जो कि कहाँ पर मिलेगा आपको यूरोप में मिलेगा ये कहाँ पर है ये यूरोप में है तो ये सभी के सभी जो देश हैं वो क्या मनाते हैं आजादी का उत्सव सेम कब फिफ्टीन ऑफ अगस्त को यानी कि भारत के साथ आजादी ये भी देश आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलिए हाल ही में यहां पर गोवा में एक विशेष प्रकार का रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किया गया है मतलब आईवीएफ आईवीएफ का मतलब होता है आप लोग ने समझा होगा सुना होगा कभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक है यानी कि कृत्रिम जो गर्भ धारण किया जाता है तो पहले सबसे पहले राज्य के रूप में यह उभरा है जहां पर फ्री में याद रखना जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आईवीएफ का क्या किया जाएगा यहां पर उपचार किया जाएगा यानी कि जो महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती उनके गर्भधारण के लिए ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया गया है फ्री में इस प्रकार से सुविधा यहां पर जो दिया जाएगा यहां के सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा करने वाला गोवा अपने आप में पहला राज्य बना हुआ है ठीक है चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी ने एंजॉय किया होगा जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट लाइक ठोक देंगे लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें और जाते जाते कुछ प्रश्नों का आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं यहां पर नहीं करने हैं आंसर कहां पर करने हैं जी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है ये लाइव चैट बॉक्स है तो लाइव चैट बॉक्स में कोई नहीं करेगा कहां पर करना है कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है ना तो पहला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने द्रौपदी मुर्मू जी ने किस INS का हाल ही में इनोग्रेशन किया और ये कहां पर बनाया गया था? ठीक है ना? द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईएनएस का हाल ही में इनॉग्रेशन किया किस फ्रिगेट का इनोग्रेशन किया और इसका निर्माण कहां पर किया गया था नंबर टू आपको बताना है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत हमारे पास इंडियन रेलवेस में कौन कौन से इंडियन रेलवे जो है वो शामिल है पिछले कुछ सेशंस में मैं देख रहा हूं कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो लेकिन आंसर करना है इफ यू लाइक द सेशन देन आंसर ठीक है तो आप सभी बच्चे जो हैं और जो बाद में देखते हैं वो भी आंसर जरूर करें यहां पर तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है मिलते रहेंगे हम लोग और किसी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ बने रहे हमारे संग थैंक यू सो मच टेक केयर बाय जय हिंद